हाय गाइस, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट की, जो है पिडिलाइट का फेविक्रिएट। यहाँ पे इसका एज ग्रुप भी मेंशन किया है, 5+ एज ग्रुप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे गिफ्ट कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बैक साइड भी इसकी सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। इसके अंदर आता है फेविक्रिएट ड्रॉइंग बुक, रंगीला टेम्परा कलर्स जो है 18 ml, एंड पेंसिल है यहाँ पे दिए हुए, एंड फेविकॉल के ग्लू ड्रॉप्स भी है। प्राइस रेंज की बात करें तो ये 99 rupees का है। मैंने इसे 99 rupees में बाय किया है एक शॉप से। आप इसे अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं। अगर आप इसे अमेजोन से बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं मधुलिका जैन आज आपको रिव्यू करके दिखाऊंगी इस प्रोडक्ट का। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इस किट को हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ओके, इसके अंदर टेम्परा कलर्स हैं और ये है ग्लू ड्रॉप्स हमारे आर्ट वर्क को चिपकाने के लिए, और साथ में इसमें है एक ड्राइंग बुक, फेविक्रिएट ड्राइंग बुक। बिल्कुल खाली ड्राइंग बुक है ये। इस तरह से इसके बैक में भी डिजाइन्स है, और इसके साथ हमें मिले हैं स्टेंसिल। बैक साइड से ये इस तरह से है और फ्रंट में ये व्हाइट कलर में है। ओके, तो बस यही है इसके अंदर, दो स्टेंसिल, एक ड्राइंग बुक और ग्लू ड्रॉप्स एंड टेम्परा कलर्स। तो आइए अब हम इसके साथ कुछ क्रिएट करते हैं। मैंने यहां से एक शीट निकाल ली है, ठीक है, और अब हम वन बाय वन में आपको स्टेंसिल यूज करके दिखाती हूँ। ये जैसे एक स्टेंसिल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक थिक कार्डबोर्ड से बना हुआ स्टेंसिल है, तो इस तरह से हमें इसको रिमूव करना है। जो इसके ये पार्ट्स हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ओके, इस तरह से पूरा हमें जो इसकी कटिंग से इसको निकालना है यहां से। थोड़ा आपको आराम से इसको निकालना है। इस तरह से मैंने इसके सारे पार्ट्स निकाल लिए हैं। पेंसिल हमारे रेडी है यूज़ करने के लिए, और यहाँ पे मैं एक पैलेट का यूज़ करूँगी कलर्स निकालने के लिए। कोई भी आप प्लेट यूज़ कर सकते हैं और कोई भी प्लास्टिक का शीट रख सकते हैं कलर निकालने के लिए, जो भी अवेलेबल है आपके पास घर में। स्टील का प्लेट, आप स्टील का प्लेट यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैं कुछ ब्रशेज ले रही हूँ स्टेंसिलिंग करने के लिए। आप चाहे तो नॉर्मल ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो स्पंज का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पंज का पीस है तो स्पंज यूज़ कर सकते हैं, ब्रश की हेल्प से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 6 piece का सेट है ये, क्वांटिटी 18 ml है हर कलर की। इसके साथ ये ब्रश आया है। सबसे पहले मैं आपको स्टेंसलिंग कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। स्टेंसलिंग को हम किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो ये शीट निकाली है, यहाँ पे मैं स्टेंसलिंग करूँगी। इस तरह से इसको रखेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टेंसिल निकल रहा है तो आप यहाँ पे एक टेप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे छोटा सा टेप का पीस लगा सकते हैं। इस तरह से मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे बहुत लाइटली एक टेप को रख रही हूँ दोनों साइड्स में, ताकि इससे क्या होगा ना कि ये सिक्योर हो जाएगा और हमारा स्टेंसिल इजीली वर्क करने के लिए रेडी है। नहीं तो आपका ये रिमूव होता रहेगा, जब आप स्टेंसिलिंग करेंगे तो ये एक साइड खसक जाएगा। तो आप कोई भी अपने पसंद के अकॉर्डिंग कलर्स निकाल सकते हो। कि तो यहाँ पे मैं 2 color कॉम्बिनेशन का यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे ले रही हूँ येलो कलर के साथ मैं लूंगी रेड कलर। ओके, तो मैं अपनी कलर पैलेट पे सबसे पहले दोनों कलर्स को निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ येलो कलर। जितना आपको चाहिए पहले आप उतना ही कलर निकालेंगे। अगर आपको कलर थोड़ा थिक लग रहा है तो थोड़ा सा हम इसमें वाटर भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ नहीं करना है, जस्ट वाटर का एक टच देना है जिससे कलर बहुत थोड़ा सा रनी हो जाए। एंड देन अब मैं
अपने ब्रश को क्लीन करूंगी पानी की हेल्प से। कोई भी एक ग्लास में आप पानी ले लीजिए। और इस तरह से मैंने ब्रश को क्लीन कर लिया। जैसा आप देख सकते हो कि ये इस तरह से निकल भी जाता है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको काम कर सकते हैं, बट बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी। अब मैं लूंगी रेड कलर। ओके, मेरे दोनों कलर्स मैंने ले लिए हैं और इसको मैं बंद करके साइड पे रख देती हूँ। थोड़ा सा मैं पानी लूंगी, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो बहुत कलर पतला हो जाएगा। एंड अगेन मैं ब्रश को क्लीन करूंगी इस तरह से। ओके, इस तरह से मेरे दोनों कलर्स रेडी हो गए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रेड कलर ले सॉरी येलो कलर लूंगी और इस तरह से मैं यहाँ पे कलर निकालूंगी। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ इस तरह से। जस्ट मैं इस तरह से इसको डैब डैब कर रही हूँ। इस तरह से मैंने हाफ करके छोड़ दिया, कहीं मैं हाफ कर रही हूँ, कहीं फुल कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं इसको करने के लिए। और आप ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने ब्रश में कलर लिया एंड आप इस तरह से भी ब्रश के साथ फिल कर सकते हो। दोनों में से कोई भी टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मैंने रेड कलर लिया एंड सी बहुत प्यारा लग रहा है ये, जो आप इसका इफेक्ट देख रहे हैं इस तरह से, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यह आप पे है कि आप किस तरह से इसको यूज करते हैं। आप चाहो तो इसको फुल भी कर सकते हो, आप चाहे तो सिंगल कलर में भी वर्क कर सकते हो। इस तरह से मैंने सब तरफ ही रेड कलर को भी लगा लिया। और उसके ड्राई होने के बाद हम शीट को रिमूव करेंगे। आपने जो टेप लगाया बहुत केयरफुल इस टेप को रिमूव करना है, नहीं तो आपका जो ये पेपर है ना फट जाएगा, क्योंकि जो पेपर है ये बहुत पतला है, जो ड्राइंग शीट है ये बहुत ही पतली है। ओके, इस तरह से, वाओ, इट्स अमेजिंग। सी, ये पैटर्न बहुत ही सुंदर लग रहा है। डबल कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा निकल के आया है। कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। तो आप इसको इजीली पेपर पे यूज कर सकते हैं, अपना क्राफ्ट वर्क कर सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, या कोई गिफ्ट पेपर के लिए आप इस तरह से अपना प्लेन शीट ले लीजिए, बड़ी साइज का, जितना भी आपको गिफ्ट पैक करना है उसके अकॉर्डिंग आप एक वाइट शीट या जो भी कलर कॉम्बिनेशन यूज करना चाहते हैं एक शीट ले लीजिए और इस तरह से अपने पैटर्न क्रिएट करके आप इस तरह से गिफ्ट पेपर रेडी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है अपने डिजाइंस क्रिएट करने का। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टेंसिल की तरफ। तो जैसा कि आप ये दूसरे स्टेंसिल देख रहे हैं, दूसरे स्टेंसिल में से भी आपको इस तरह से जो ये कार्ड्स है रिमूव करने हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टिक है, आपको बहुत केयरफुली यहाँ से इसको रिमूव करना है कि ये फट नहीं जाए। छोटे बड़े जो पीसेस है बहुत केयरफुली आपको इसको निकालने हैं। ओके, वन थिंग और, जब हम इसे यूज करेंगे, जब हमने जो इस स्टेंसिल को यूज कर लिया है, तो इसको दोबारा से यूज करने के लिए आप इसको इजिली क्लीन कर सकते हैं, क्लीन करके आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कपड़ा लेंगे और इस तरह से इसको क्लीन करके रख सकते हैं, जिससे आप कितनी बार भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा केयरफुली आपको इसको निकालना है। अगर आप थोड़ा जल्दी में इसको निकालेंगे तो ये फट सकता है, क्योंकि इसकी लाइंस बहुत पतली पतली है, तो आपको थोड़ा
आराम से इसको करना है। अगर आपको लगे कि कलर आ रहा है हल्का सा बाद में, पानी लेके भी इसको क्लीन कर सकते हैं। बस जस्ट कपड़े को हल्का सा गीला करना है और आपका कलर निकल जाएगा। इस तरह से हमारा दूसरा स्टेंसिल के भी सारे पीसेस निकाल के मैंने रेडी कर लिया है, बैक साइड एंड फ्रंट साइड। ये हमारा सेकंड स्टेंसिल। एंड सेम मैंने यहाँ पे भी क्या किया, एक शीट निकाल ली है ड्राइंग बुक से। अगेन मैंने एक टेप लिया है और अब मैं इसको थोड़ा इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करूँगी मेरे स्टेंसिल को। आपको इसको इसके लेवल में रखना है और यहाँ से अगेन मैं टेप लगा दूँगी ताकि ये हिले ना प्लास्टिक से। और एक टेप का यूज़ कर रही हूँ मैं, आप चाहो तो यहाँ पे पेपर टेप भी लगा सकते हो, बट बहुत लाइटली प्रेस करेंगे आप, नहीं तो आपका पेपर फट सकता है, क्योंकि इस पेपर की क्वालिटी बहुत हल्की है, बहुत पतला पेपर है ये, बट बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर बड़े यूज़ करना चाहे तो आप थिक शीट का यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस ब्लू कलर। थोड़ा सा पानी लिया है मैंने इसको मिक्स करने के लिए। एंड अगेन मैं इस तरह से ब्रश लूँगी एंड देन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आपको इसको प्रेस करके रखना है ताकि आपका डिज़ाइन, नहीं तो आपका आएगा नहीं डिज़ाइन, क्योंकि ये शीट ऊपर उठ जाती है। तो थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं सिंगल कलर का ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश के साथ फिल भी कर सकते हो और नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो दोनों का इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है। अगेन मैं यहां से टेप को धीरे से निकालती हूँ फ्रॉम बोथ साइड्स। इसको इसे उठाएंगे, सी बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है ये। अब जो इसका हाफ पार्ट है, अब हम यहाँ पे भी अपने स्टेंसिल को प्लेस करेंगे। डिज़ाइन को कंटिन्यू में रखते हुए कि जहाँ से हमने फिनिश किया है बस बिल्कुल उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। और अब मैं टेप को यहाँ पे लगा रही हूँ दोबारा से, और यहाँ पे मैं नहीं लगा रही हूँ, आप चाहे तो साइड में लगा सकते हैं, क्योंकि सेंटर में अभी मेरा कलर गीला है, तो मैं थोड़ा सा साइड में इस टेप को लगाऊंगी। ठीक है, अगेन मैं लूँगी सेम ब्लू कलर, सेम ही कलर को मैं पूरे डिज़ाइन के लिए लगाऊंगी। बच्चे अगर चाहे तो पैलेट में उनको प्लेट में कलर दे दीजिए एंड वो अपनी फिंगर पे इस तरह से कलर लगा के डिप करके इस तरह से फिंगर से टैप टैप करके भी कलर को फिल कर सकते हैं, जस्ट लाइक फिंगर पेंटिंग, उसको इस तरह से कलर को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इस तरह से अपनी शीट को रिमूव करूँगी। देखिए अगर आप कुछ नहीं लगाते तो ये शीट अनइवन हो जाती है और आपका जो स्टेंसिलिंग वर्क होता है ना वो मिक्स हो जाएगा, तो मेक श्योर कि आप उसको टेप से पहले सिक्योर कर ले। सी बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसका। आप अब इसको कोई भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसका फुल आप बैग बना सकते हैं, इसको भी आप कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे मैं आपको पहला वाला दिखाती हूँ, ये देखिए
अभी ये अब मेरा ऑलमोस्ट सूख चुका है, थोड़ा सा और गीला है, तो आप इसको इस तरह से फोल्ड करके एज अ ग्रीटिंग कार्ड भी इसका बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको फ्रेम में एज इट इज़ भी आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको चारों तरफ आप फ्रेम कर दीजिए, उसके बाद आप ग्लू ड्रॉप्स के साथ इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप्स को कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। ओके, जैसे कि इसके साथ में ये हमें ग्लू ड्रॉप्स मिले हैं, ठीक है, तो आपको कितने ड्रॉप्स यूज़ करने हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सीजर से आप एक स्टिकर लेंगे, ओके, एंड आप इस तरह से इसको ओपन करेंगे, ठीक है, आप इसको टर्न करेंगे और आप इसको यहाँ दो स्टिकर यहाँ और दो स्टिकर यहाँ, और नहीं तो आप एक स्टिकर यहाँ पे भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप इसको रखेंगे एंड देन इसको उठा लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ग्लू रहेगा, ठीक है, और आप इसको कोई भी जगह पे पेस्ट कर सकते हो, इसको फ्रेम करके भी पेस्ट कर सकते हैं, विदाउट फ्रेमिंग भी आप इसको अपने वॉल पे पेस्ट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ग्लू ड्रॉप्स ईजिली आपका पेस्ट हो जाएगा। अपनी प्रोजेक्ट फाइल में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको इसको यूज़ नहीं करना तो अगेन जो ये पेपर हमने रिमूव किया था आप यहाँ इसको लगा दीजिए, और जब आपको ये यूज़ करना है इसको निकाल दीजिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गिफ्ट पेपर आप इसको रेडी कर सकते हैं गिफ्टिंग के लिए, जब आप अपनी शीट को रेडी करते हैं पैक करने के लिए, इस तरह से पहले आप अपनी शीट को रेडी कर दीजिए एंड देन आपका पर्सनल आपका आपके कलर स्कीम के अकॉर्डिंग आपका गिफ्ट पेपर रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप इस ड्राइंग बुक में पीछे भी देख सकते हो, एक ऐसा डिज़ाइन है, आप बैकग्राउंड पे आप इसको कलर कर सकते हैं एंड देन स्टेंसलिंग वर्क कर सकते हैं। आप इससे बैग भी प्रिपेयर कर सकते हो, और इस तरह से अगेन दो कलर कॉम्बिनेशन भी इसको करके उसके बाद आप अल्फ़ाबेट भी आप इस पर लिख सकते हैं। तो कुछ भी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों डिज़ाइन मैंने इस तरह से रेडी किया है, बैक साइड एंड फ्रंट साइड। आप पूरा इसको सूखने देंगे एंड देन आप इसको यूज़ करेंगे। आई होप आपको इसके रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये किट कैसे यूज़ करना है, इस किट में क्या क्या है, इसको किसे गिफ्ट किया जा सकता है, कौन यूज़ कर सकता है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें बता दी है। मुझे पर्सनली ये किट अच्छा लगा, बच्चे इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और आपको दूसरे प्रोडक्ट का रिव्यू करके दिखाऊं, अनबॉक्सिंग करके दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगी। और अगर इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगी। तो आर्ट के रिगार्डिंग इस तरह के और वीडियोज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।